साथियों, दशा और दिशा दो अलग अलग बातें हैं कि हमारे समाज को इस टाइम क्या दशा है और क्या दिशा मिलनी चाहिए। तो दिशा तो विपरीत चलती आ रही है और चलती रहेगी, पर दशा हमारी बड़ी दयनीय है, जो पहले भी थी और आज भी है। कुछ परसेंट उसमें से सुधार हुआ है, जो आगे होना भी बहुत बाकी है। और जल और वायु के बारे में सीवरेज की समस्या में लेकिन काफी समय से चलता है, हमारे भाई सीवरेज की समस्या से जूझते हैं क्योंकि उन्हें पूरी सुविधा नहीं मिल पाती है। जब वो सीवर में उतरते हैं ना ही उन्हें कोई ट्रेनिंग दी जाती है पहले, ना ही उनके लिए मास्क की सुविधा होती है, सिलेंडर गैस उनके कंधे पे होना चाहिए, पूरे उनकी बॉडी के लिए उनके जो मिलना चाहिए ऊपर से पूरा सिस्टम होना चाहिए। जैसे अभी मैंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक दिखाया था डिस्कवरी में, जब वहाँ सीवरेज के अंदर इंसान उतरता है तो उसको पूरी प्रोटेक्शन के साथ उतारा जाता है। तो हमारे हिंदुस्तान में तो ऐसी सुविधा है नहीं, तो ऐसी सुविधा के लिए तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा। ये जो सरकार सोई सरकार है इन्हें जगाना पड़ेगा, क्योंकि सोए लोगों को तो ढोल पीट के या शोर शराबा बजा के जगाना पड़ता है। तभी जागेंगे, जागेंगे तभी जब हम संगठित होंगे, और संगठित हम तब हो पाएंगे जब हम एकजुटता से एक झंडे झंडे और झंडे और एक अपने इंसान का अपने बीच में से एक सिरा हमारे बीच में अनिता जी और भाई रविशंकर जी और दिल्ली सरकार ने बनाया, हमें इन्हीं के तत्वधान में आगे इनका साथ देना और इन्हें आगे बढ़ाना है, तभी हमारी दशा हमेशा सुधर पाएगी। क्योंकि हम इनको मजबूत करेंगे तभी हमारी आगे मजबूती मिल पाएगी। और एमसीडी में सफाई कर्मचारियों की भी समस्या बड़ी हद से बदतर है। सन 1990 से हम देखते आ रहे हैं कि 20-20 साल से कर्मचारी पक्के नहीं हुए, क्योंकि उससे पहले तो 5 या 7 साल में कर्मचारी पक्का हो जाता था। और जो हमारे ही भाई 90 के बाद से ये सेंट्री गार्ड जो पक्का चली है, और जो हमारे भाई कर्मचारी से सफाई से बचने के लिए जो कलर पंख के बैठ जाते हैं, थोड़ी हमारे खुद के लोगों ने भी हमारी दशा बिगाड़ रखी है। क्योंकि हमारी दशा आज एक इंसान अपनी सर्विस जो लेने चले जाते हैं उसके लिए जो 200-500 रुपए ले लेते हैं कलर जो बैठे हैं। तो मैं चाहूंगा कि समय कम है और इतनी बातें हो नहीं सकती है, तो हमारे बीच में हमारे बड़े भाई रविशंकर जी और हमारी बहन अनिता उज्जैनवाल जी हमारे आयोग से जो मेंबर बने हैं, तो हम आगे मिलकर इनको सफाई कर्मचारियों के बारे में बताएंगे कि बड़ी समस्या है। क्योंकि मैं भी ऐसे सफाई कर्मचारी एमसीडी में 20 साल से जॉब कर रहा हूँ, तो हमें ज्यादा पता है कि हमारे लोगों के साथ कितना शोषण होता है। और आप जो सिस्टम जो बना हुआ है, अभी कमल मेहरा जी कमिश्नर थे जब ये 3 एमसीडी बनी, उससे पहले हमारे कर्मचारी को टाउन हॉल में बुला के 7 लाख रुपए चेक जो उसके बनते थे एक वन मंथ मुफ्त किस्त में दे दिया जाता था। पर अब जो 3 एमसीडी बन गई है तो उससे बहुत बुरा हाल हो गया। हमारी जो एकजुटता थी एमसीडी की वो तोड़ दी गई है पिछली सरकारों ने, ताकि ये लोग बढ़ जाए और संगठित ना हो पाए। अब नॉर्थ ईस्ट और साउथ बना दिया गया, अब साउथ में तो सब चीज टाइम पे मिल जाती है, नॉर्थ और ईस्ट का बड़ा बुरा हाल है। तो मैं चाहूंगा हमारे बीच में हमारे आयोग से दिल्ली से मेंबर बने हैं हमारे बड़े भाई रविशंकर जी और हमारी बहन अनिता उज्जैनवाल जी, तो हम चाहेंगे कि इनके साथ मिलकर आगे हम एमसीडी और सीवरेज की समस्या को लेकर चले और इन्हें बताएं, ताकि ये एमसीडी के अंदर उन डिपार्टमेंट के कर्मचारियों से मिले और उन लोगों की समस्याओं का आगे ला सके। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।